दोस्तों आपका स्वागत है इंडियन इंडस्ट्रियल ट्यूटोरियल में। दोस्तों फिर से हाजिर हो गए बहुत सारे वॉकिंग इंटरव्यू बहुत सारे रिक्रूटमेंट्स लेके। दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों के लिए वैकेंसी मिलेगी यहाँ पर, तो वीडियो को लेकर उसके लिए पूरा देखना पड़ेगा। कट कट करके देखोगे बाद में बोलोगे इसके लिए वैकेंसी नहीं है तो नहीं मिलेगा आपको चीज बात। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो दोस्तों स्टेशन मैनेजर के लिए वैकेंसी, जहाँ पर BBTech ME जो इलेक्ट्रिकल E&I BOE सर्टिफिकेट विद मिनिमम 15 साल का एक्सपीरियंस एंड 30 MW पावर प्लांट। नेक्स्ट बात करूँ डिप्टी स्टेशन मैनेजर ऑपरेशन मैनेजर, जहाँ पर दोस्तों दो वैकेंसी BBTech ME इलेक्ट्रिकल और BOE सर्टिफिकेट विद 10 ईयर एक्सपीरियंस इन 30 वाला ही है। नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों सीनियर इंजीनियर के लिए इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी एक, जहाँ BBTech इलेक्ट्रिकल विद 7 ईयर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल प्लस 9 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपीरियंस आपको बता देगा। नेक्स्ट बात करूँ इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी है, जहाँ BBTech NPTI और डिप्लोमा प्लस 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट बात करूँ सीनियर इंजीनियर C&I, जहाँ पर BBTech C&I प्लस 7 ईयर एक्सपीरियंस या डिप्लोमा BSc इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन प्लस 9 ईयर एक्सपीरियंस जो आपको बता दिया गया। नेक्स्ट बात करूँ इंजीनियर C&I, जहाँ BBTech NPTI और डिप्लोमा इंस्ट्रूमेंटेशन प्लस 3 से 7 साल का एक्सपीरियंस। मैनेजर मेंटेनेंस, जहाँ BBTech मैकेनिकल प्लस 10 ईयर एक्सपीरियंस। सीनियर इंजीनियर मैकेनिकल, जहाँ पर दोस्तों BBTech मैकेनिकल NPTI और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन और डिप्लोमा NPTI प्लस 5 ईयर एक्सपीरियंस। नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों इंजीनियर मैकेनिकल, जहाँ पर दोस्तों BBTech NPTI और डिप्लोमा NPTI मैकेनिकल प्लस 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों तो यहाँ पर आप देख रहे हो सीनियर इंजीनियर PNE, जहाँ पर दोस्तों BTech इन MEI और केमिकल प्लस 7 ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है। नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों तो यहाँ पर इंजीनियर PNE के लिए वैकेंसी, जहाँ पर आप देख रहे हो BTech इन MEI एंड केमिकल प्लस 5 ईयर एक्सपीरियंस। शिफ्ट इंचार्ज के लिए वैकेंसी है, जहाँ पे BTech 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस, डिप्लोमा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लस 7 से 12 साल का एक्सपीरियंस। कंट्रोल रूम के लिए वैकेंसी है, डेक्स इंजीनियर, जहाँ बॉयलर टर्बाइन BBTech NPTI प्लस 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस, डिप्लोमा NPTI मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन प्लस 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस। और ये जो बॉयलर का सर्टिफिकेट है जिसके पास उसे प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगा। नेक्स्ट बात तो फील्ड ऑपरेटर बॉयलर्स नाइट्रोजन यूनिट, डिप्लोमा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन NPTI प्लस 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस। फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट को अगर है आपके पास प्लस होना चाहिए तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। नेक्स्ट बात करूँ ऑफिसर एडमिन के लिए वैकेंसी है, जहाँ एनी ग्रेजुएशन चलेगा प्लस 5 ईयर एक्सपीरियंस। नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों ऑफिसर स्टोर के लिए वैकेंसी है, जहाँ ग्रेजुएशन प्लस 5 ईयर एक्सपीरियंस। नेक्स्ट बात करूँ ऑफिसर सेफ्टी के लिए वैकेंसी है, डिग्री प्लस 5 ईयर एक्सपीरियंस, डिप्लोमा है तो 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जो आपको बता दिया गया है, ठीक है। या आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी जो दोस्तों RLI से है। नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों सीनियर केमिस्ट के लिए वैकेंसी है, MSc BSc केमिस्ट्री प्लस 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वाटर प्लांट ETP ऑपरेशन। नेक्स्ट बात करूँ केमिस्ट, जहाँ पे MSc BSc केमिस्ट्री 6 से 8 साल का एक्सपीरियंस, वाटर प्लांट ETP ऑपरेशन। तो दोस्तों अगर आपको ये अप्लाई करना है तो मैं आपको लिंक दिखा देता हूँ जहाँ पर आप इजीली अप्लाई कर पाओगे। तो दोस्तों इसके लिए क्या है गूगल पेज बनाया गया है जहाँ से आप अप्लाई कर पाओगे, पूरा लिंक आपको दिख रहा होगा, मैं इसी लिंक को ओपन करूँगा HTTPS और ये पूरे लिंक को आपको देख लेना और इसे प्रेस कर देना है, ठीक है। आप इजीली से आप यहाँ से देखोगे वैसा ही, आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपके सामने इसी तरीके का आ जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको देखो तो आपके सामने इस लिंक को ओपन कर रहा हूँ, मैंने जैसे ही लिंक को ओपन कर रहा हूँ तो मेरे सामने एक नया इंटरफेस ओपन ओके आ जाएगा, अब एक पूरा गूगल लिंक बन गया है, ठीक है। तो आपके लिए मैं शॉर्टकट में एक लिंक है वहाँ से आपको आना पड़ेगा, ठीक है, इजीली वे बताया। तो 12 में राजस्थान के लिए वैकेंसी है, यहाँ पर पूरा बता दिया गया है, एक्सपीरियंस ऑपरेशन मेंटेनेंस फॉर पावर प्लांट ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री इन 12 में राजस्थान, ठीक है। तो यहाँ पर आप नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, पोजीशन, कौन सी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो आप पूरा बताया गया, वही ये देख रहे हो आप, वही सारी की सारी पोजीशन है जो मैं आपको बताया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अपना सेलेक्ट कर लेना है,
और इजीली आपको अप्लाई कर देना। सीटीसी कितना चाहिए, कितना सीटीसी है, नोटिस पीरियड क्या है, लोकेशन है, ये सारी चीज़ें आपको करंट एम्प्लॉई हो क्या थर्मैक्स की सारी चीज़ें डाल देनी है और अपना रिज्यूम करके सबमिट कर देना है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ। नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर पारुल यूनिवर्सिटी में जो केमिकल इंजीनियर के लिए कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया है सामने देख रहे हो, प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो है आपको बता दिया गया यहाँ पर और आपको ये रिज्यूम जो है 15 दिन के अंदर अंदर सबमिट करना रहेगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। PITCHEMICALHOD@PARULUNIVERSITY.ac.in यहाँ पर आपको अपना CV डाल देना है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ। नेक्स्ट वैकेंसी बेल में आप देख रहे हो सिविल इंजीनियर के लिए वैकेंसीज हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हो फाइनली प्रोजेक्ट सेट। यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन बैचलर इन सिविल इंजीनियरिंग और आपको यहाँ पर बता दिया गया किससे रिलेटिव होना चाहिए एक्सपीरियंस, ठीक है पूरी चीज़ें बता दी गई। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो ऑफिशियली वेबसाइट पर पहुँच जाओ, इसका स्टार्टिंग डेट है 12/6। तो दोस्तों यहाँ पर वैकेंसी वॉकिंग इन टू 30 अप्रैल 2021 फ्राइडे को होने का है। यहाँ पर QA के लिए वैकेंसी सीनियर एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव, जहाँ पर आप देख रहे हो 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इन इंजीनियरिंग एंड 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस फॉर QA एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर BTech चाहिए मैकेनिकल से और एक्सपीरियंस ऑलरेडी यहाँ पर BTech के लिए आपको बता दिया गया 6 से 9 साल का टोटल एक्सपीरियंस चाहिए फाइनली। तो ये इस तरीके से यहाँ पर बांट के रखा है किसका किसका एक्सपीरियंस चाहिए। नेक्स्ट बात करूँ QA एग्जीक्यूटिव सीनियर एग्जीक्यूटिव के लिए वैकेंसी है, जहाँ MSc केमिस्ट्री से मांगा है 5 से 9 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। यहाँ पर प्रेफरेंस जो इमीडिएट ज्वाइन करेगा उसे दिया जाएगा, मेल कैंडिडेट हो उसे दिया जाएगा और यहाँ पे तेलुगु लैंग्वेज जैसे अच्छी आती है उसे दिया जाएगा। ये इंटरव्यू 10 से 5 बजे तक होने का है, तो यहाँ पे आपको 9 बजे रिपोर्टिंग कर देना है। अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको अपडेटेड CV पासपोर्ट साइज फ़ोटो रिसेंटली इंगेजमेंट लेटर पे स्लिप लेके जाना है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों पूरा एड्रेस आपको दिया गया है आप देख सकते हो, तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर 7337433933। तो कॉन्टैक्ट करके जाने, 3-4 और कॉन्टैक्ट दिए हुए हैं, मेल आईडी भी दी गई जिस पर आप अपना CV ड्रॉप कर सकते हैं। दोस्तों मेल आईडी कुछ इस तरीके से sirikanth@optrixlabs.com। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों यहाँ पर IPCA लेबोरेटरी लिमिटेड। दोस्तों यहाँ पर जो वैकेंसी है वो सिक्किम लोकेशन के लिए प्रोडक्शन वैकेंसी है, टेक्नीशियन ऑपरेटर्स सुपरवाइजर के लिए वैकेंसी है, जहाँ पर 40 वैकेंसी हैं। 2 से 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, 10th 12th ITI चलेगा। नेक्स्ट बात करूँ ऑफिसर स्टाफ के लिए बात करूँ तो यहाँ पर 3 से 8 साल का एक्सपीरियंस, 40 वैकेंसी, BSc MSc B Pharma मांगा गया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप अपना CV ड्रॉप कर सकते हैं sanj@patel.ipca.com। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड में एग्जीक्यूटिव के लिए वैकेंसी है, IT and System के लिए दहेज लोकेशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बताएगी BE BTech मांगा गया, 1 से 6 साल का एक्सपीरियंस, मतलब मिनिमम आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसकी जो लिंक है अप्लाई करने के लिए जो लिंक दी हुई है उसे अप्लाई करने के लिए मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप इजीली अप्लाई कर पाओगे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड में। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी लुब्रिजॉल, यहाँ पे क्या लोकेशन है और वैकेंसी इसमें एक नहीं 3 वैकेंसी मैं आपको दिखाऊंगा 1 by 1। तो यहाँ पे फर्स्ट वैकेंसी प्रोसेस इंजीनियर CaCl2 मतलब कैल्शियम क्लोराइड के लिए, दहेज लोकेशन है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होगे कि यहाँ पे प्रोसेस इंजीनियर के लिए वैकेंसी है, प्रोसेस इंजीनियर और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री इन केमिकल इंजीनियरिंग से चाहिए, जो अच्छे किसी यूनिवर्सिटी से होने चाहिए, 6 से 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रोसेस टेक्नोलॉजी और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, ठीक है। यहाँ पर पूरा आपको बता दिया गया है एक्सपीरियंस के बारे में, पूरी जानकारी दे दी गई जिससे आप अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। आपके पास इंग्लिश गुजराती भाषा का ज्ञान होना ज़रूरी है, ये चीज़ आना चाहिए आपको, बाकी सारी चीज़ें जो है बता दी गई यहाँ पर। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको लिंक दिख रहा होगा, अप्लाई कर पाओगे और आपका मैं आपको लिंक दिखा देता हूँ जहाँ से आप इजीली अप्लाई कर पाओ। तो यहाँ पर आपको ये लिंक दिख रहा होगा ऊपर ही, देखो ये लिंक आपको गूगल पर टाइप करना है और आपको इजीली यहाँ पर आ जाना है, ठीक है। अब मैं दूसरी वैकेंसी की तरफ चलता हूँ।
नेक्स्ट वैकेंसी लुब्रिजोल में ही है, लेकिन ये जो वैकेंसी है सीनियर मैनेजर प्रोडक्शन के लिए वैकेंसी है। इसका हम लोकेशन देख लेते हैं, तो यहाँ पे हेड प्रोडक्शन के लिए वैकेंसी है, ठीक है, मुंबई लोकेशन दिया हुआ है और यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बता दी गई है। बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, तो बैचलर डिग्री मांगा है जो केमिकल इंजीनियरिंग से अच्छे कॉलेज से मांगा गया, यूनिवर्सिटी से 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और यहाँ पर पूरा आपको बता दिया गया इसकी बारे में जानकारी, ठीक है, आपका एक्सपीरियंस स्किल क्या क्या होना चाहिए वो चीज़ बता दी गई यहाँ पर। तो यहाँ पर पूरी चीज़ आप अच्छे से पढ़ लें। अब बात आती है कि यहाँ पर हम अच्छे से पढ़ने के लिए कैसे आएँ, तो यहाँ पर अच्छे से पढ़ने के लिए आपको इजीली आ जाओगे। यहाँ पर एक लिंक दिख रहा है आपको ऊपर ही, इस लिंक को आपको गूगल पर टाइप करना है और आप यहाँ पर आ जाओगे, तो देख लो आप अच्छे से। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ, इसी की। अब दोस्तों इसी में नेक्स्ट वैकेंसी लुब्रिजोल में ही, जो जूनियर ऑफिसर प्रोडक्शन के लिए। अब देखो ये वैकेंसी कहेंगे भाई डिप्लोमा वाले के हमारे लिए नहीं दिखा रहे हो, तो डिप्लोमा वाले के लिए भी वैकेंसी है यहाँ पे, पूरा यहाँ पे बताया गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बता दी गई। क्वालिफिकेशन में ITI AOCP BSc और डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग, मतलब डिप्लोमा भी आ गया, ITI भी आ गया और BSc वाले भी आ गए, तो आप 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस लेकिन आपके पास होना चाहिए तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको लिंक ऑलरेडी देखो ऊपर दिखेगी इजीली, मैं आपको इस लिंक को आपको गूगल पे टाइप करना है, इतना मेहनत आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये लिंक आपको अच्छे से गूगल पे टाइप करना है वीडियो को पोस्ट करके और अच्छे तरीके से आपको ये यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ। नेक्स्ट वैकेंसी लुब्रिजोल में ही है, लेकिन ये जो डिप्टी मैनेजर प्रोडक्शन के लिए वैकेंसी है, यहाँ पे आप देख रहे हो मुंबई लोकेशन दिया हुआ गया है और यहाँ पे पूरा चीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बता दी गई। क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री ही मांगा गया है, लेकिन 6 से 10 साल का एक्सपीरियंस है और पूरी चीज़ें बता दी गई यहाँ पे, जल्दी अप्लाई कर पाओगे। लिंक आपको मैं ऊपर दिखा देता हूँ, इस लिंक पर आपको आना है, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ।